अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे वो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के जो 5 ईयर में 10 ईयर में बार बार रिपीट हुए हुए हैं। अब एग्जाम्स करीब हैं, टाइम कम है, तो 5 ईयर और 10 ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फोकस कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफाई करने के। 1 - cos² θ बराबर होता है sin² θ के। इस तरह से ऑपोजिट कर दें, 1 - sin² बराबर होता है cos² के। sin² + cos² बराबर होता है 1 के। cosec θ बराबर होता है 1/sin θ के। cot θ बराबर होता है cos/sin के। और tan बराबर होता है sin/cos के। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड इस साइड के बिल्कुल इक्वल है। स्टार्ट करते हैं। sin θ 1 - cos θ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मतलब जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। माइनस साइन की यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, प्लस में हो जाएगी। 1 - cos कॉस एंड कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू ऐसी वापस आ जाएंगी यहाँ पे। अभी रिपीट किया था कि 1 - cos² θ बराबर होता है sin² θ के। हम इसके बदले वैल्यू पुट कर देंगे। 1 sin θ से 1 कट जाएगा और 1 बच जाएगा, ऊपर बचा 1 + cos θ / sin θ। हमने ये प्रूफ करना था ये वाली वैल्यू, और बिल्कुल सेम इसका आंसर आ गया, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड के प्रूफ हो गई है। स्टार्ट कर रही, इसमें आपने ये प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। लेफ्ट साइड लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे हम इसकी अपोजिट साइन से। मल्टीप्लाई करेंगे, cos θ 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + sin θ, बस साथ लिख लिया है। cos θ 1 + sin θ, ये दो दफा है, ये जगह -± sin² θ। अभी बताया था कि 1 - sin² θ बराबर होता है cos² θ के। ये जाएगा cos θ, साथ में 1 + sin θ। इस एक cos से एक दफा cos कट जाएगा, एक बारी बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 + sin। गैप प्रूफ, आपने ये प्रूफ करना था और सेम यही वैल्यू आपके पास आ गई है, एंड दिस इज प्रूफ। और बाकी जो क्वेश्चन है 5 ईयर में जितने भी रिपीट हुए हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में इंशाल्लाह करवाऊंगी।